नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 10 और 20 अक्टूबर को होगा मतदान। बाढ़ के पानी में स्नान के दौरान डूबने से किशोर की हुई मौत, घर में मचा कोहराम। अनंत चतुर्दशी को लेकर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भगवान विष्णु की पूजा कर बांधा अनंत रक्षा सूत्र। गाढ़ हत्याकांड में 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली, एसएसपी ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। और बाढ़ कोर्ट हाजत से 3 आरोपी रहस्यमय ढंग से हुआ फरार, गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार के 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत समेत कुल 261 नगर पालिका में चुनाव होना है, जिसका ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। इसको लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि फिलहाल बिहार के कुल 224 नगर पालिका चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और चुनाव 2 चरणों में होगा, जिसमें से पहले चरण के चुनाव में 10 अक्टूबर को 156 नगर निकाय में मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 20 अक्टूबर को होगा और इसमें कुल 68 नगर निकाय में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि कुल 224 नगर निकाय चुनाव क्षेत्र से 1,14,00,000 मतदाता मतदान में हिस्सा ले सकेंगे, जिसमें 60,00,000 से अधिक पुरुष और 54,00,000 से अधिक महिला मतदाता शामिल है। बता दें कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए 10 सितंबर से नामांकन शुरू होगा। 20 सितंबर को नामांकन पत्र की समीक्षा और 22 से 24 सितंबर तक नाम वापसी की तिथि तय की गई है, जबकि प्रतीक चिन्ह का आवंटन 25 सितंबर को और 10 अक्टूबर को मतदान के बाद 12 अक्टूबर को मतगणना होगी। वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए 16 से 24 सितंबर तक नामांकन होगा, जिसकी समीक्षा 25 एवं 26 सितंबर को की जाएगी। इसके बाद 27 से 29 सितंबर तक नाम वापसी की तिथि और प्रतीकों का आवंटन 30 सितंबर को होगा, जबकि 20 अक्टूबर को मतदान के बाद 22 अक्टूबर को मतगणना होगी। गोराडी प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर पंचायत खरवा गांव निवासी 15 वर्षीय युवक की मौत बाढ़ के पानी में स्नान के दौरान डूबने से हो गई। मृतक युवक की पहचान खरवा निवासी वरुण मंडल के पुत्र संजीव कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि संजीव अनंत चतुर्दशी को लेकर सुबह उठकर गंगा स्नान करने घर से निकला था, लेकिन वह दोपहर तक लौटकर घर वापस नहीं आया तो घर वाले काफी चिंतित हो गए और परिजन एवं पास पड़ोस के घरों में खोजबीन शुरू की। वहीं इस दौरान घर वालों को बमोदा के समीप किसी युवक का शव पानी में तैरने की जानकारी मिली, जिसके बाद सभी लोग वहां पहुंचे और शव को बाहर निकाला तो देखा कि शव संजीव का ही था। परिवार के लोगों ने बताया कि संजीव परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और वह 10वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्से में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भादो मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को मनाए जाने वाली अनंत चतुर्दशी को लेकर शुक्रवार को पूरे देश समेत भागलपुर के अलग अलग मंदिरों और गंगा तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही जुटी रही। अनंत चतुर्दशी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिसमें भक्त अपनी हर तरह की कामना पूर्ति के लिए भगवान नारायण के अनंत स्वरूप की पूजा करते हैं। इस दौरान अनंत सूत्र धारण करने वाले पुरुष, महिला, युवक, युवती और बच्चों को पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजा कराई गई, जिसके बाद पूजन किए गए अनंत सूत्र को वहां पर बांधा गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरुषों को दाहिने हाथ के बाजू पर और महिलाओं को बाएं हाथ के बाजू पर बांधा जाता है। बताया जाता है कि अनंत चतुर्दशी की पूजा भगवान कृष्ण और महाभारत काल से भी जुड़ी है और विपत्ति काल में भगवान कृष्ण के कहने पर धर्मराज, युधिष्ठिर और द्रौपदी समेत 5 पांडव ने कष्टों और संकटों से मुक्ति के लिए शुरू किया था। जबकि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सतयुग में भी भगवान अनंत की पूजा का विधान रहा है। भागलपुर के बुढ़ानाथ मंदिर परिसर में भी भक्तों को भगवान अनंत और 14 गांठ वाले अनंत सूत्र की पूजा पंडितों द्वारा कराकर कथा सुनाया गया। इसके अलावा भागलपुर के शहरी और सभी ग्रामीण क्षेत्र में भक्ति और उत्साह के साथ श्रद्धालुओं ने अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत की।
भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंडी प्रसाद लेन श्रीनिकेतन अपार्टमेंट के गार्ड पुरुषोत्तम कुमार की गला रेत कर हत्या की घटना के 2-3 बाद पुलिस कप्तान बाबूराम ने घटनास्थल पर जाकर मामले की खुद से जांच की। इस दौरान एसएसपी ने अपार्टमेंट और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और गार्ड रूम सहित हर एक बिंदु पर गहराई से जांच की। वहीं इसको लेकर एसएसपी ने बताया कि हत्याकांड से संबंधित सभी बिंदुओं पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और जल्द ही हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इधर जांच के दौरान पुलिस ने गार्ड रूम से मोबाइल, साड़ी और पानी भरा बाल्टी बरामद किया, जबकि एफएसएल की टीम के द्वारा भी हर एक वस्तु की गहराई से जांच की जा रही है। इसके अलावा एसएसपी ने जिले में क्राइम कंट्रोल के लिए सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया और शहर में भयमुक्त माहौल तैयार करने का आश्वासन दिया। अभी बहुत सारे बिंदुओं पर काम किया जा रहा है, अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। ऐसा कुछ सबूत मिला है सर कि इस अपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग आए हों या फिर बाहर निकले हों रात में या सुबह, ऐसा कुछ मिला है? तो सारे अंदर हम लोग पूछे कर रहे हैं कि बाहर से अगर कोई लोग एंट्री किए हैं तो जो अंदर जो गार्ड की हत्या हुई है क्या उसके परिचित थे, उनकी जानकारी में आए थे, उन्होंने बुलाया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी को दुश्मनी थी और वो लोग रात में देर रात में दीवार फांद के अंदर घुसे हुए, उन तमाम दिनों पर जाँच की जा रही है। जो इसका साथी है सर, जो इलाजरत है, वो तो सबसे बड़ा चश्मदीद है इस घटना का, उससे अभी पूछताछ नहीं की, वो बोलने की स्थिति में नहीं है क्या? कंडीशन पहले से बेहतर है लेकिन अभी स्टेटमेंट देने लायक नहीं है सर। जांच की क्या हुआ, जांच के उपरांत में पाया गया? अभी जांच करने आए थे सर, क्या क्या मिला यहाँ पर? इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, कुछ निर्देश दिए, कुछ दिनों के काम करने लगे और जल्दी बाढ़ व्यवहार न्यायालय परिसर के हाजत से 3 अपराधियों के रहस्यमय ढंग से फरार होने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर बाढ़ पुलिस ने बताया कि बेलक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाघा टीला गांव के समीप पीएनबी बैंक शाखा में 6 मार्च 2017 को दिन दहाड़े लूट और हत्या की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया था, जिसमें बैंक के कैश बॉक्स से 65 लाख की लूट हुई थी और इस लूटकांड में अपराधियों ने 3 लोगों की हत्या गोली मार कर दे। वहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए इस मामले में फरार चल रहे 3 अपराधी को तत्कालीन एसएसपी मनु महाराज के निर्देश पर बाढ़ इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार अपराधियों में रजनीश कुमार, ललन कुमार और मनीष कुमार शामिल थे, जो आपस में भाई हैं। इधर गिरफ्तार तीनों अपराधियों को बाढ़ उपकारा से ट्रायल के लिए गुरुवार को बाढ़ न्यायालय में एडीजे पंचम रवि रंजन मिश्रा की कोर्ट में पेशी के लिए लाकर कोर्ट हाजत में रखा गया था। तभी तीनों भाई कोर्ट हाजत के अटैच बाथरूम के रोशनदान को तोड़कर फरार हो गए। वहीं अपराधियों के फरार होने की जानकारी मिलने के बाद बाढ़ पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और बाढ़ एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने थानाध्यक्ष के साथ घटनास्थल का मुआयना लिया और कोर्ट हाजत प्रभारी अनिल कुमार सिंह एवं वहां मौजूद पुलिस टीम से पूछताछ की गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन करते हुए समस्तीपुर नंदगोला निवासी तीनों फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी में जुटी हुई है। देखिए अभी तो हम लोगों को जानकारी मिली है 3 कैदी यहाँ से फरार हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आज ही ये काम नहीं हुआ होगा, पहले से इसकी योजना बनाई होगी। अब किन लोगों का सहयोग था और ये लोग पहले कितनी बार आए हैं, जैसे अभी यहाँ पर कैदी ने बताया कि पिछले 1 महीने में लगभग 15 बार उनकी सुनवाई यहाँ पर सुनवाई के क्रम में आए होंगे। तो क्या घटना है, किस केस से जुड़े हुए कैदी हैं, क्या नेचर ऑफ ऑफेंस था इन लोगों का, इसके बारे में तो हम लोग जांच करेंगे, उसके बाद ही बात सामने। ये तीनों भाई बताया जाना जो बिल्सी कांड से जुड़े हैं, अभी जो भी बातें हैं जैसे आपको पता है वैसे ही हमको भी पता है, तो अभी तक जब तक हम लोग ऑफिशियल रिकॉर्ड चेक नहीं कर लेते ऑफिशियली बोलना तो ठीक नहीं होगा। भागलपुर में गुरुवार की देर शाम एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके कारण सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल तिलकामांझी थाना क्षेत्र के समीप एक कार का इंजन गर्म हो जाने के कारण कार में आग लग गई। इसको लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इंजन गर्म होने के कारण कार में आग लग गई, इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि इस दौरान लोगों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के सूझबूझ से बड़ी घटना होने से टल गई। भागलपुर इस्कॉन और मंदरोजा स्थित खाटू श्याम मंदिर की ओर से 15 सितंबर से 4 दिवसीय कृष्ण कथा सत्संग का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर इस्कॉन और खाटू श्याम मंदिर द्वारा तैयारी की जा रही है। इसको लेकर इस्कॉन भागलपुर के उपाध्यक्ष ईश्वर नाम दास ने बताया कि कृष्ण कथा सत्संग में भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज द्वारा कृष्ण कथा खाटू श्याम मंदिर
कबीर सभागार में की जाएगी, जिसमें भागलपुर समेत आसपास के कई जिलों से भी भगवान कृष्ण भक्त शामिल होकर प्रवचन का आनंद लेंगे। उन्होंने बताया कि कृष्ण कथा 15 से 18 सितंबर तक दिन के 4 बजे से शुरू होकर संध्या 7 बजे तक चलेगी। ईश्वर नामदास ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से नहीं हुआ था और स्थिति सामान्य होने पर इस वर्ष फिर से आयोजन किया जा रहा है। 30 वर्षों से वृंदावन में निवास करने वाले ब्रह्मचारी भक्ति आशय वैष्णव महाराज का जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ था और इस्कॉन द्वारा पूरे विश्व में इनके द्वारा कथा की जाती है, जहां श्रद्धालु भी भक्तिमय माहौल में कथा का आनंद लेते हैं। साथ ही कहा कि पितृपक्ष में भागवत कथा सुनने का विशेष महत्व है। बता दें कि भागलपुर डीएम आवास के समीप के मुक्तेश्वर कॉलोनी में संस्था की ओर से भव्य इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कार्य भी चल रहा है। हरे कृष्णा। 15 सितंबर से 18 सितंबर जो आने वाली हैं, परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव साई महाराज भागलपुर में पधार रहे हैं और उनके मुखारविंद से कृष्ण कथा कही जाएगी खाटू श्याम मंदिर में, मंदरोजा में। और ये कार्यक्रम शाम को 4 से 7 बजे तक चलेगा, 3:30 बजे शुरू होगा, 4 से 7 बजे तक चलेगा। और महाराज जी हर साल आते थे, लेकिन कोरोना के कारण 2 साल कोई कार्यक्रम अलाउ नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी हम विशेष रूप से आयोजन कर रहे हैं और सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज का। महाराज बहुत ही उनका बिजी शेड्यूल है, पूरे विश्व में इसको उनकी तरफ से उनको कथा के लिए बुलाया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जगन्नाथपुरी का उनका पास का उनका जन्म है और वृंदावन में 30 साल का उनका वास है और वो बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और बहुत ही बड़े साधक हैं। उनकी कथा अगर वो व्यक्ति सुनेगा तो कृष्ण कथा के पान के वो बहुत शुद्ध हो जाएगा, उनका बहुत लाभ मिलेगा। वैसे भी पितृपक्ष है, पितृपक्ष में कृष्ण कथा भागवत कथा सुनने का बहुत महत्व है, तो ये विशेष लाभ है भागलपुर के लोगों के लिए, सौभाग्य है। आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब इस कथा को सुनने के लिए जरूर आएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। सिवान की गोरिया कोठी थाना क्षेत्र सीसई बाजार से 28 अगस्त को अपहृत लोहा कारोबारी सुभाष प्रसाद को पुलिस ने हाजीपुर से सकुशल बरामद कर लिया है। अपहृत कारोबारी की पहचान गोरिया कोठी थाना क्षेत्र के खंगली गांव निवासी स्वर्गीय शिव पूजन साह के 40 वर्षीय पुत्र सुभाष प्रसाद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि लोहा कारोबारी के लापता होने के बाद उसकी पत्नी अर्चना देवी ने अपहरण की आशंका से थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसको लेकर महाराजगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पोलस्त कुमार के नेतृत्व में रियाकोठी, बसंतपुर, भगवानपुर हाट और सराय ओपी के टेक्निकल शाखा समेत कुल 7 थानों की पुलिस टीम ने अपहृत कारोबारी को हाजीपुर से बरामद कर लिया। वह इसको लेकर सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पकड़े गए अपराधियों की पहचान नालंदा के अंबेर निवासी संजय पासवान के पुत्र सागर कुमार, नालंदा के ज्वार डी निवासी विजय कुमार के पुत्र विकास कुमार, मधेपुरा निवासी मुकेश पासवान, हाजीपुर निवासी मनोज कुमार, नालंदा निवासी सतीश पासवान, नवादा के बाजीतपुर निवासी रंजीत कुमार, नालंदा के सकरामा निवासी प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। साथ ही एसपी ने कहा कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। 28 अगस्त को गोरियाकोटी थाना अंतर्गत सिसई मोड़ के पास से एक आदमी का अपहरण हुआ था, जिनका नाम है सुभाष प्रसाद। ये छोटा मोटा वहाँ पर ग्रिल आदि बनाने का काम करते हैं। इनका अपहरण हुआ, उसके 3 दिन के बाद इनके परिवार वाले से पैसे की मांग की गई। पुलिस ने इस घटना को पूरी चुनौती के साथ स्वीकार किया था और यह बहुत ही इसका उद्भेदन कठिन हो गया था, इसीलिए कि जो इसमें अपराधकर्मी शामिल थे, जो बाद में गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ है उससे पता लगा है कि लोग पहले साइबर अपराध करते थे, तो इसीलिए इसमें जो ये लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे काफ़ी सावधानी पूर्वक और काफ़ी बुद्धि लगा कर अपना अपने तरफ से पूरा प्रयास होकर कर रहे थे। इसलिए इस घटना में शुरुआती दौर में क्लू प्राप्त करना काफ़ी कठिन हो रहा था, फिर भी हम लोगों ने इसमें एक टीम बनाई थी SDPO महाराजगंज के नेतृत्व में और थाना प्रभारी बसंतपुर, गुड़िया कोठी, भगवानपुर, तो थाना प्रभारी, तीनों थाना प्रभारी और SDPO महाराजगंज, इन लोगों ने काफ़ी परिश्रम करके और इसमें क्लू निकाला और क्लू निकला कन्नौज यूपी का, तो कन्नौज यूपी से एक आदमी को इसमें उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, उनके निशानदेही पर फिर दिल्ली से एक आदमी को उठाया गया, वहाँ से लाकर फिर नालंदा में कई लोगों को उठाया गया।
बढ़िया थाना मुख्यालय अंतर्गत पुरानी बाजार के पश्चिम टोला में अखाड़ा ले जाने के दौरान दो गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। इसके बाद वहां पथराव शुरू हो गया। वहीं पत्थरबाजी की इस घटना में दो पुलिसकर्मी समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए स्थानीय CHC में भर्ती कराया गया। बता दें कि हरदिया महावीरी मेला में शामिल होने के लिए बढ़िया पुरानी बाजार के पश्चिम टोला से बढ़िया गाँव का अखाड़ा गुजरता है, और इसी को लेकर गुरुवार की शाम अखाड़ा के बढ़िया पश्चिम पहुंचते ही किसी बात पर दो गुटों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते काफी बढ़ गया और दोनों ओर से पथराव शुरू हुआ। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही हरदिया टोला मस्जिद के पास से अखाड़ा पास कराने के लिए SDO रामबाबू बैठा और SDPO जितेंद्र पांडे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुए, लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर फिर से पथराव शुरू कर दिया, जिसके कारण भागकर पुलिस को अपनी जान बचानी पड़ी। हालांकि बाद में प्रशासन की ओर से इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों और पुलिस जवानों की तैनाती कर आसपास के क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी के साथ कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 10 और 20 अक्टूबर को होगा मतदान। बाढ़ के पानी में स्नान के दौरान डूबने से किशोर की हुई मौत, घर में मचा कोहरा। अनंत चतुर्दशी को लेकर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भगवान विष्णु की पूजा कर बांधा अनंत रक्षा सूत्र। गाढ़ हत्याकांड में 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली, SSP ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। और बाढ़ कोर्ट हाजत से 3 आरोपी रहस्यमय ढंग से हुआ फरार, गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।